हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी की रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज आपके पिंकी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार और यूनिक एक मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई की रेसिपी को शायद इससे पहले कहीं पर देखे होंगे। इस रेसिपी को देखने में जितना सुंदर लग रहे हैं और खाने में उतना ही मज़ेदार लगते हैं। मुँह में घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी है, बट आपको देखकर लग रहा है ना इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग भी पहली बार में इस रेसिपी को आसानी से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको हमारा आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर की हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इस मज़ेदार मिठाई की रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल पे 2 कप मैदा ले रही हूँ, 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अब इस रिफाइंड ऑयल को एक हाथों की मदद से अच्छे से इस मैदा में मिक्स करेंगे। ऑयल को इतनी क्वांटिटी में डालना है, इसको मिक्स करने बाद इस तरह से एक मुट्ठी बन जानी चाहिए। ऑयल मैदा में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल के एक सख्त सा डो लगाएंगे। इस डो को बनाते हुए समय एक बात को ध्यान रखना है, ठंड पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी गुनगुनी पानी का ही यूज़ करेंगे। इस डो का स्ट्रक्चर थोड़ी सी सख्त होती है, इस डो का स्ट्रक्चर नरम हो जाएगा तो इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बनाने के बाद इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इस ढक्कन को निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर से गूंथ लेंगे। अब एक चकला ले लेते हैं और इसके ऊपर इस डो को रख के थोड़ी देर के लिए गूंथ लेते हैं और इसके बाद हम छोटी छोटी करके लीची काट लेंगे। इस तरह से अब हम इसको छोटे से बॉल के आकार में शेप दे देंगे और इसके बाद हम इसका रोटियां बेल लेंगे। इसके लिए जो हम रोटियां बेलेंगे बहुत ही पतले होते हैं, आमतौर पर हमारे घर पर जो रोटियां होते हैं इससे भी ज़्यादा पतले होते हैं। अब हम इस रोटी को एक चाकू की मदद से चारों तरफ से काट लेंगे। काटे हुए साइड वाला पार्ट अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम जिस तरह से काट रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम काट रहे हैं। पूरी तरह से हमने काट लिया है, अब हम इसको हल्के हाथों से इसको इस चकला से उठा लेंगे। अब काटे हुए साइड वाला बॉर्डर पे पानी लगा लेंगे क्योंकि हम इसको सील करेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने बाद साइड वाला बॉर्डर को अच्छे से सील करेंगे। सील हो चुके, अब हम फिर से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब जो प्रोसेस है ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस रेसिपी का नाम क्या देना चाहिए आप लोग ही बताइएगा कमेंट में। आप गैस के चूल्हा के ऊपर एक पैन पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। अब हम एक एक करके डाल देंगे। तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम में रखे इसको फ्राई कीजिएगा जब तक ना इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं ये फूल का लेयर धीरे धीरे से निकल आ रहा है। इसका कलर सुनहरा हो चुके है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से भी आप लोग इसे खा सकते हैं, बहुत ही कुरकुरा लगते हैं, बट हम इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी के लिए मैं लिया है 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी।
इस मिठाई के लिए जो चाशनी होती है थोड़ी सी गाढ़ा होती है, मतलब एक तर वाला चाशनी होती है। चाशनी बनाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, इस स्पैचुला को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो चीनी नीचे से लग सकती है। चाशनी तैयार हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी बनने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंड कर लेंगे, पूरा नहीं मतलब थोड़ी सी ठंड होने के बाद अब हम एक एक करके डाल देंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से उलट पलट के चाशनी को लगा लेना है। हमारी मज़ेदार आज के इस मिठाई की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएगा। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।